components. You know that what are the rectangular components? Rectangular components of any vector are the components which are mutually perpendicular. And you also know that the rectangular components are in two dimension and in three dimension. In two dimension, there are the two rectangular components, and in three dimension, there are the three rectangular components. That is one along the x-axis, one along the y-axis, and other along the z-axis. And from here, you also know that a vector can have maximum of three rectangular components, and the three rectangular components are in three dimension. Okay. In our previous class, we had resolved a vector into its rectangular component in a plane. And in our today's class, we are going to find the rectangular components in a three dimension. So how we can find? Let's start and let's learn. For this, let's consider a three-dimensional shape. This is three-dimensional shape. It may be a cube or may be a cuboid. Okay. Let name it A, B, C, D, E, F, G, and this is O. Okay. This axis is a long x-axis. This is X. This is Y. And this is Z. You can also compare this with your room or with this shape. This one. इसको कुछ ऐसे करके देखो, ऐसे करके. This is Y. ऐसे करके देखो. This is Y. This is X and this is Z. और यहां से देखोगे ऐसे Y हो गया, ये X हो गया और ये क्या हो जाएगा Z. ये तीन अक्षीय है. तो हम एक कॉर्नर से देखेंगे. इसमें इसको समझने के लिए आप इसको ध्यान से देख लेना है. अगर आप इसको यहां से देख रहे हो तो आपको इसका ये सरफेस दिखाई दे रहा है, ओनली एक पार्ट. अगर इसको आप ऐसे करके देखोगे तो एक सरफेस दिखाई दे रहा है. हम यहां से क्या कर ले, हमने ये कॉर्नर कंसिडर किया था. इस कॉर्नर से एक एक्सिस ये गई, एक एक्सिस ये गई और एक एक्सिस ये गई. अब हम इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, अगर मैं थ्री डायमेंशन में मानूं तो मैं इस पॉइंट से यानी इस कॉर्नर से और यहां तक, इसके अंदर अंदर यहां तक, ये दोनों कॉर्नर देखो, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इसका ये बॉडी डायगोनल बोला जाता है. इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, इसका बॉडी डायगोनल बोला जाता है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आपका रूम है, रूम है ना आपका, रूम के आप एक कॉर्नर पे खड़े हो, जैसे आप इस कॉर्नर में खड़े होगे और जिस कॉर्नर में खड़े हो उसके बिल्कुल अपोजिट आपके पास जो कॉर्नर है उसको देखो, तो दोनों कॉर्नर को मिलाने वाले जो लाइन है वो उसका बॉडी डायगोनल हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो बॉडी डायगोनल है वो इसके थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेगा. तो यहां से लेकर यहां तक ये इसका बॉडी डायगोनल हो जाएगा ऐसे. ये इसका बॉडी डायगोनल है और लेट्स रिप्रेजेंट इट बाई वेक्टर ए. ठीक है, ये बॉडी डायगोनल है और वेक्टर ए से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. अब ये जो वेक्टर ए है, दिस वेक्टर ए हैव द थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वन अलोंग द एक्स एक्सिस. तो ये आपके पास हो जाएगा, दिस इज ए एक्स, वन अलोंग द वाई एक्सिस, सो दिस इज ए वाई, एंड अदर अलोंग द जेड एक्सिस, तो दिस इज ए जेड. दीज आर द थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ये हमें फाइंड आउट करने हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको फाइंड आउट करने से पहले लेट्स सी द सरफेस ओ डी जी एंड एफ. देखिए ओ डी जी एफ क्या है, ये जो है ये आपका ग्राउंड सरफेस है. आपका जो भी रूम आपका कंसिडर कर रहे हो, ये रूम का ग्राउंड सरफेस है. तो आप इस कॉर्नर में खड़े हो, जैसे आप इस कॉर्नर में खड़े हो तो ये आपकी एक्स एक्सिस होगी और इसको आप वाई मान रहे हो, इसको हाइट को वाई मान रहे हो, क्या होगी जेड एक्सिस. अगर इसका एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, मतलब इसका ए एक्स का और ए जेड का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो वो क्या होगा, वो इस कॉर्नर से और इसके जो सामने वाला कॉर्नर है उन दोनों को मिलाने वाली लाइन होगी. मतलब ये इसका क्या होगा, डायगोनल होगा. तो इसका और इसका क्या होगा, इस प्रकार से ये होगा. और ये आप पैरेललोग्राम लॉ से निकालते थे, है ना. लेकिन अब हम वेक्टर की फॉर्म में इसको लिख रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक ये ऐसे हो जाएगा, ओ से लेके जी तक. अब ओ से लेके जी तक तो एक वेक्टर हो गया आपके पास, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया. और जो ये ओ और आपके पास यहाँ पे बी है, दिस ओ बी इज इक्वल टू जी ई. क्यों? बिकॉज इट इज ऑल्सो अलोंग द वाई एक्सिस, दिस इज ऑल्सो अलोंग द वाई एक्सिस. सो फ्रॉम हेयर ओ जी ओ बी कैन बी कंसिडर्ड एट जी ई. तो यहां से हम क्या देख रहे हैं
इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है, इसकी डायरेक्शन क्या से है, यहां से ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इसका इसका रिजल्टेंट है, वो कौन हो गया आपके पास, वेक्टर ए हो गया। तो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट दैट फ्रॉम द डायग्राम वी फाइंड दैट, फ्रॉम द डायग्राम वी फाइंड दैट ओ ई, इसको हमने स्मॉल ई से लिखा है, ओ ई इज इक्वल टू क्या है, ओ जी प्लस जी ई, ऐसे लिखते हैं ना वेक्टर में, वेक्टर को ऐड करने का यही वे है ना। इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, वैसे कैपिटल में लिखते तो ज्यादा अच्छा है, नॉर्मल इसको कैपिटल में ही लिखा जाता है, तो हम इसको कैपिटल में लिख देते हैं, बाकी कोई फर्क वाली बात नहीं है आप कैपिटल में लिखते हो या स्मॉल में लिखते हो, बट कैपिटल में थोड़ा ठीक रहता है, तो इसको हम कैपिटल में ही लिख देते हैं ना, ओ ई ये हो जाएगा ओ जी और ये आपके पास क्या हो गया जी ई, ठीक है, ये हुआ यहां से। अब देखिए आपको अलग अलग फाइंड आउट कर लेने हैं, ओ ई इज इक्वल टू ओ जी, ओ जी कैन बी रिटन एज ओ ऑफ, इट कैन बी रिटन एज ओ ऑफ प्लस ओ डी बिकॉज इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ओ ऑफ एंड ए ओ डी एंड प्लस क्या हुआ आपके पास जी ई। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, व्हाट इज ओ ई, ओ ई इज द वेक्टर ए, ओ ई क्या है वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू ओ ऑफ, ओ ऑफ इट इज ए जेड और इट इज अलोंग द जेड एक्सिस, सो ए जेड के प्लस ओ डी, ओ डी इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, सो इट इज ए एक्स आई, और जी ई इट इज अलोंग द वाई एक्सिस, सो इट इज ए वाई जे। आफ्टर रिअरेंजिंग वी कैन राइट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, सो द थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दिस ए आर ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए जेड के, सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स ए वाई एंड ए जेड ऑल्सो, वट इज ए एक्स वट इज ए वाई एंड वट इज ए जेड। नाउ ऑब्जर्व द डायग्राम एंड फ्रॉम द डायग्राम वी फाइंड दैट दिस रिजल्टेंट ए मेक्स एन एंगल अल्फा, दिस एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस, सो टू फाइंड द ए एक्स हाउ यू कैन फाइंड ए एक्स, ए एक्स डिवाइड बाई ए, दिस इज द वे, इट इज इक्वल टू कोस अल्फा एंड ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स। दिस रिजल्टेंट ए मेक्स एन एंगल बीटा विद द वाई एक्सिस, सो हेयर वी कैन राइट दैट ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा एंड दिस ए मेक्स एन एंगल, दिस एंगल अप टू हेयर गामा विद द जेड एक्सिस, so from here we can write that az is equal to a cos gamma, this is the value of ax ay and az, okay। now here one more thing that we have to find is the direction cosine, and direction cosine kya hote hain, direction cosine hote hain cos of angle alpha angle beta and angle gamma, so cos of angle alpha is equal to cos alpha, और डायरेक्शन जो कोसाइन होते हैं उनको एल एम और एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जनरली एक्स एक्सिस का होता है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई वाले को एम से और जेड वाले को किससे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्शन कोसाइन इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, और कोस अल्फा किसके बराबर हुआ, कोस अल्फा आपके पास बराबर हो जाएगा ए एक्स डिवाइड बाई ए,
ये डायरेक्शन कोसाइन एल हो गया। इसी प्रकार से एम इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कोस बीटा, दैट इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए, एंड लास्ट इज एन इज इक्वल टू कोस गामा, दैट इज इक्वल टू ए जेड डिवाइडेड बाई जेड। ओके, इफ वी स्क्वेयर द डायरेक्शन कोसाइंस देन व्हाट वुड वी फाइंड, लेट्स ट्राई, इनका स्क्वायर करके देखते हैं और स्क्वायर से हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर कर दें, मतलब हम क्या करें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर दें, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होने वाला है, वो होगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, और डिवाइड बाई कितना हुआ ए स्क्वायर, क्योंकि सभी के साथ ए स्क्वायर है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट, ये जो है ना ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, इसको हम ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई क्या है ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वन। अब यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला कि डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है वन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको मैं एक स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ, इसको हमने ए स्क्वायर कैसे लिख दिया, तो देखिए कैसे लिखा, इसको जब आपने सोल्व किया था इधर से जो हमने मिटा दिया उसमें आपके पास क्या था ए इज इक्वल टू आपके पास आया था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, यही आया था ना। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या निकालोगे, ए इज इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर एक्स होता है प्लस ए स्क्वायर वाई और प्लस क्या होता है ए स्क्वायर जेड होता है, या दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा आपको ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई और प्लस ए स्क्वायर जेड। तो ये वैल्यू तो थी हमारे पास ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, उसको हमने क्या लिख दिया ए स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे था एक, उसे कैंसिल किया तो रिजल्ट हमारे पास आ गया है। ओके ठीक है, तो ये हमने यहाँ से क्या कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाले, फिर से सुन लो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, जो अल्फा होता है वो एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाता है उसका जो कोस होता है दैट इज कोस अल्फा, इसका डायरेक्शन कोसाइन है, कोस बीटा इसका डायरेक्शन कोसाइन है, और कोस गामा इसका डायरेक्शन कोसाइन है। व्हाट आर द अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा इज द एंगल दैट रिजल्टेंट वेक्टर ए मेक विद द एक्स एक्सिस, रिजल्टेंट वेक्टर ए मीन ये जो वेक्टर जो 3D में के अंदर आपने कंसीडर किया था और जिसका कंपोनेंट क्या था एक्स कंपोनेंट था, उसके साथ आपका जो वेक्टर है वो जो भी एंगल बनाता है दैट इज अल्फा। फिर उसी प्रकार से द गिवन वेक्टर और द रिजल्टेंट वेक्टर मेक एन एंगल बीटा विद द वाई एक्सिस एंड द एंगल विच द रिजल्टेंट वेक्टर मेक विद द जेड एक्सिस इज गामा, एंड कोस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन। ओके